अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। इतनी दूर छोड़ आओ के उठे बुढ़े का जनाजा जरा धूम से उठे जाते जाते अपने लिए माल छोड़ कर गया बुढ़ा मर गया यू विल डाई लाफिंग। रोज रोज पकते पकते ये कमीना सड़ गया लिए ये सवारी है खसमानो खाना बुढ़ा कितना भारी है बाय बाय सी यू नेवर पहुंच गए उतर गया बुढ़ा मर गया यू विल डाई लाफिंग। आपकी तरह मैं भी इस फिल्म के शुरू होने का इंतजार कर रहा हूं। आफ्टर ऑल ये फिल्म मेरे बारे में है, मेरी जिंदगी के बारे में नहीं बल्कि मेरी मौत के बारे में।
तो अपने अपने सेलफोन बंद कर दीजिए, पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक लेकर तैयार हो जाइए, क्योंकि बुढ़ा बस मरने ही वाला है। लक्ष्मीकांत कबाड़िया ने अपनी शुरुआत एक छोटी सी कबाड़ी की दुकान से की थी और आज उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया है। कॉन्टिनेंटल होटल में आज एलके ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के आईपीओ की प्री लॉन्च पार्टी चल रही है और यहाँ मुंबई के हुस हुस सभी मौजूद हैं। 5,000 करोड़ का ये आईपीओ इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ है। आवर बैंक हैज टेकन अ वेरी सिग्निफिकेंट एक्सपोजर इन इट और हमें यकीन है कि ये एक ही दिन में ओवरसब्सक्राइब हो जाएगा। रंजीत कबाड़िया, अब तक तो एलके ग्रुप का बिजनेस सीमेंट और कंस्ट्रक्शन तक ही सीमित था। करेक्ट। इस आईपीओ के बाद आपके बिजनेस एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं? हाँ, देखिए, डैड ने डिसाइड किया है कि जब नए वेंचर्स में जाएंगे वो टेलीकम्युनिकेशंस, एंटरटेनमेंट और आईटी। फिलहाल तो यही प्लान्स है। एलके ग्रुप के बिजनेस एक्सपेंशन प्लान्स के बारे में अब बात कर रहे हैं लक्ष्मीकांत कबाड़िया की बहन प्रेरणा। बहन नहीं, जुड़वा बहन बोलो। ओ या, एक पर्सनल क्वेश्चन, आप हैं तो उनकी जुड़वा बहन लेकिन आप दोनों की शक्लें नहीं मिलती। शायद मेरी मम्मी जिंदा होती तो तुम्हारे ये सवाल का सही जवाब देती। एलके नजर नहीं आ रहे। लक्ष्मी अपने कमरे में है, आता ही होगा। मिस्टर समीर कबाड़िया, यस। एज एलके'स यंगेस्ट सन, इस आईपीओ के लॉन्च के बाद आपके प्लान्स क्या हैं? मेरे प्लान्स बहुत क्लियर है। प्रेरणा बुआ को फांसी लगा दूंगा, टुकड़े टुकड़े करके चील कौओं को खिला दूंगा। चुड़ैल किसी को बात नहीं करने देती, सब पर राज करती है। फ्रस्ट्रेटेड वुमन, शादी नहीं हुई ना, सारी कुंवारी औरतें फ्रस्ट्रेटेड होती हैं। और हाँ, तुम्हारी शादी हुई कि नहीं हुई? जी जी जी, हो गई। गुड, कम इस टेप को इरेज कर दो। विद्युत बाबा, बाबा कहाँ थे आप? कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। सदैव सुखी रहो, टेंशन मुक्त रहो। डॉल, यू आर लुकिंग सेक्सी। बेब्स, यू आर रॉकिंग। हरिओम। विद्युत बाबा, प्रेरणा जी का कहना है कि आप ही के आशीर्वाद से एलके इंडस्ट्री आज इस मुकाम पर पहुंची है। हमारा आशीर्वाद तो सबके संग है। हरिओम। यू नो व्हाट श्रुति, कल मेरे हस्बैंड प्राइम टाइम टेलीविजन पर इंटरव्यू देने वाले हैं ऑन द रिजर्वेशन इशू। ये रिजर्वेशन का भी आजकल बहुत प्रॉब्लम है। यू नो, आजकल किसी भी रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन के बिना कोई टेबल ही नहीं मिलती। आई डोंट बिलीव। तुम तक पहुंचे क्यों नहीं? क्या कहा, आ गए हो? लेकिन हो कहां, मेरे पीछे? सुनिए, एक मिनट, आपको कुछ चाहिए? जी चाहिए ना। क्या? यही कि आप मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाएं। हेलो हेलो। हस्बैंड बहुत मजाक किया है, चलो इधर। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। आई हैव टू गिव यू अ वेरी गुड न्यूज टुडे। हमारी समुराई म्यूजिक कंपनी एलके ग्रुप के साथ मर्ज होने जा रही है। उसके बाद हमारी ये कंपनी इस देश की सबसे बड़ी म्यूजिकल कंपनी हो जाएगी। और मैं इस देश की सबसे बड़ी स्टार। आपकी तारीफ? तारीफ तो मेरी सब करते हैं। कोई कहता है यू हॉट, कोई कहता है यू कूल, बट एलके कहते हैं कि यू गोइंग टू बी वेरी बिग स्टार। तो एलके आपको अपनी फिल्म में ले रहे हैं? ऑफ कोर्स, हमारी 6 मीटिंग हो चुकी है। और आपके चाहती है कि इस फिल्म के बाद आपका पूरी दुनिया में नाम हो जाए? दुनिया में नाम होने से क्या होता है, अपनी कंट्री में नाम होना चाहिए। मैं तो इंडिया में वर्ल्ड फेमस होना चाहती हूं। बिल्कुल हो जाएंगे आप। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। बस यही करते रहना तुम, ओनली स्पीकिंग स्पीकिंग। बुआ ऐसी है, बुआ इज लाइक दैट, बुआ ये है, बुआ वो है। ओनली समीर हैज गट्स। उसने तो टीवी पे भी बोल दिया भुआ के खिलाफ, ही इज ओनली द वन मर्द ऑफ दिस खानदान। तो मैं मर्द नहीं हूँ? नहीं हो। तो क्या संजना और नम्रता मेरे बाप की औलाद है? फॉर परफेक्ट पीसेस। संजना बेटा, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? चाय, कॉफी, ये अंडा? सो नीट। नहीं चाची, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बेटी, तुम्हारे दादाजी को तुम्हारे बावर्ची होने से कोई एतराज तो नहीं? आई एम नॉट अ शेफ। मैं सर्जन बनने वाली हूँ और जब तुम मर जाओगी ना, तुम्हारा पोस्टमार्टम मैं इतनी ही सफाई से करूंगी। ड्रिंक्स इनफ फॉर एवरीवन। गुड गुड, आ जाओ आ जाओ। पवन बेटा, आपको कुछ चाहिए? चाय, कॉफी, ठंडा कुछ? नो मॉम, ऑल आई वांट इज फ्राइड। या बिल्कुल अपने बाप पे गया है। चलो चलो। ऑफ कोर्स नम्रता बेटी, हम तुम्हारा एल्बम जरूर निकालेंगे। थैंक यू सर। इनफैक्ट मैं सोच रहा था कि भजन एल्बम। हां हां, आर यू मैड? व्हाट व्हाट हैपेंड? मैं आइटम गर्ल बनना चाहती हूं। आइटम गर्ल? लेकिन उसके लिए तो लुक जरा हो। ये क्या करे, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? ये कहाँ ले जा रहे हो भाई? ये क्या करे? अरे कपड़े क्यों उठा रहे हो? अरे कपड़े क्यों उठा रहे? अरे ये क्या कर रहे हो तुम? आइटम गर्ल? ये क्या कर रहे? आइटम गर्ल? अरे मुझे तो लगता है कि तुम्हारे दादाजी मेरा सफाया कर देंगे। आइटम गर्ल, एक्सक्यूज मी। आप लोग एलके को प्लीज जल्दी बुला लीजिए। क्या पता एलके का फोन नहीं लग रहा है, इस समय उपलब्ध नहीं है। लेकिन एलके के बिना फैमिली फोटो, हाउ इज दैट पॉसिबल? अरे उनको बाद में डिजिटली ऐड कर देना। ओके
किम डार्लिंग, द वर्ल्ड इज डार्क विदाउट ए फ्रेंड बट ट्रू फ्रेंडशिप इज वेरी रेयर. एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर. टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन. संजना जरा जाके देख तेरे दादाजी क्यों नहीं आए. ओ एल के माई डार्लिंग स्वीट. ये नहीं उतरना. दरअसल बाबा बात यह है कि इस आईपीओ में मैं 50 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो भी सिर्फ एलके के भरोसे. अब ये बात किसी से छुपी नहीं है ना कि एलके की उम्र हो चुकी है और उसके बच्चे निकले एकदम निकम्मे और नकारा. मान लीजिए खुदा ना खास्ता कल एलके को कुछ हो जाता, अब बाबा मान लीजिए तो एलके ग्रुप तो डूब जाएगा और उसके साथ मेरा पैसा भी. ये क्या कह रहे हो, एलके का राजयोग अभी शुरू हुआ है, अगले 30 वर्षों तक यमराज एलके की तरफ देखेंगे भी नहीं. Come on, Lakshmi! Come on! Stop it! Lakshmi! तुम्हारे पापा अभी तक नीचे क्यों नहीं आए? नहीं सुप्रीम साहब, बस आते ही होंगे. एक्सक्यूज मी, हेलो सज्जन जी, क्या हुआ रंजीत, कोई प्रॉब्लम? अगर विस्की खत्म हो गई तो मेरी गाड़ी की डिग्गी में से कार्टन निकाल लो. चुप. I can't believe this. यहाँ मेरे भाई की मौत हुई है और नीचे वो कमीने खा पी रहे हैं, मजे कर रहे हैं. एक केक को लात मार के बाहर फेंक दूंगी. जा कपड़े पहन के आ. My God. अरे अब तेरे को बुढ़े से इतना लगाव कब से हो गया? मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि हम सब कंगाल हो जाएंगे. अरे चुड़ैलन, शेयर बिकेंगे तो माला माल हो जाएंगे. How to become माला माल? जब लोगों को पता चलेगा ना कि ये बुढ़ा मर गया है, हमारी कंपनी के शेयर खरीदेगा कौन? तेरा बाप. अरे बाप भी तो मर गया. समीर बंद करो, बंद करो ये खाना पीना. कमीनो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? बेशर्मो, क्या करते हो? What is wrong with you, you crazy woman? Have you gone mad? Have you gone crazy? निकल जाओ. एक एक को लात मार के उड़ा दूंगी यहाँ से. हमारे लक्ष्मी का बचपन के दोस्त की मौत हो गई, इसलिए एलके यानी मेरे डैड बहुत अपसेट हैं. ये पार्टी हमें यही खत्म करनी पड़ेगी. इसके लिए हमारा सारा परिवार आपसे माफी मांगता है. श्रुति जी, एलके के दोस्त का नाम क्या था? केएल, कृष्णकांत लबाड़िया. और उनका फ्यूनरल क्या मुंबई में होगा? I don't believe this. ऐसे कैसे अचानक? हाँ विद्या, बुड्ढा रोड़ गया, अपना हिस्सा जल्दी मिलेगा. वाओ, कितने लकी थे दादाजी. He came and went at the same time. हरियो रंजीत, तुमने नीचे एलके के निधन की सूचना क्यों छुपाई? और क्या करता, लोगों को अगर पता चल जाए कि बुड्ढा मर गया है तो हमारे शेयर्स कोई नहीं खरीदेगा. इस कठिन परिस्थिति में हमने निर्णय लिया है कि जब तक सारे शेयर्स नहीं बिक जाते हम किसी को भनक नहीं पड़ने देंगे कि एलके परलोक से हार गए. बाबा, यहाँ मेरा लक्ष्मी ऑफ हो गया है और आपको भी इन कमीनों की तरह पैसों की पड़ी है. ए, चुप कर, हम सब कंगाल हो जाएंगे तो तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? तुम तो फिर से वो दादा स्टेशन के सामने अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, मलक के नाम पे दे दे बाबा करती फिरोगी भीख मंगी. सारी कुतिया, क्या समझती है अपने आप को? कुत्ती, भीख मंगी, मैं भीख मंगी हूँ. मैं भीख मंगूंगी तो तू कहाँ जाएगी? वापिस कोठे पे. बिठाना छोड़ दे. अरे जा जा, मैं कोठे से नहीं बियर बार से आई हूँ साली, और वहाँ भी लोग इंग्लिश बोलते हैं. इंग्लिश नहीं, सॉरी. छोड़ूंगी नहीं मैं उसे. मेरी बात समझने की चेष्टा करो. भेज दूंगी वापस उसे ग्रांट रोड. चुप भिखारन. बेब्स, यू टू. तुम्हारे नैन में अश्रु शोभा नहीं देते प्रिये. यू आर माय रॉक स्टार. बाबा, मुझे बहुत टेंशन हो रही है. हरिओम.
मैंने प्रेरणा को सब समझा दिया है, लेकिन दो दिनों तक बुड्ढे की लाश को छुपा कर कैसे रखेंगे? इसमें क्या प्रॉब्लम है? हमारे सिवा किसी को नहीं पता कि बुड्ढा मर गया। ये वही कन्या है जो एलके के साथ संभोग में व्यस्त थी? जी बाबा, she is the one he was screwing. हरिओम। कहाँ भाग रही हो? ये बाबा माचो। रंजीत, पुलिस बुला। पुलिस? हाँ, पुलिस को तो सूचित करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमने एलके की हत्या की है। मैंने हत्या? Of course, तुमने हमारे बाप का मर्डर किया है। You are a killer. A sex killer. आप समझी सेक्स किलर? अरे बुड्ढा था वो बुड्ढा, लुढ़क गया तो इसमें मेरी क्या गलती है? पिछले दो साल से स्ट्रगल कर रही हूँ, कोई नहीं मरा, साले सब फिट घूम रहे हैं। अरे मेरे डैड भी दो साल से हिरन ढूंढ रहे थे, आज तक फिट घूम रहे थे। ये हल्का फूल किसको देता है? हाँ, अब भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ए बाबा चल मेरे साथ अंदर, तू भी फिट हो तो बाहर निकलेगा। अरे ओम भाई, बाबा पे गलत दृष्टि मत डाल। नहीं, हम बाबा की जिंदगी के साथ कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। अपने दादाजी के काफी को सजा दिलवाने के लिए मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ। चलो चल चल चल, रुक जाओ भालक, तुम समझ नहीं रही हो, तुम एक विष कन्या हो। मैं और विष कन्या? इतिहास साक्षी है, विष कन्याओं ने अपनी गुप्त शक्ति से कितने राजा महाराजाओं की हत्या की थी। अरे जाजा हवा ने दे, विष कन्या तो काटती थी। विष कन्याओं की परंपरा इतने सालों में ऊपर से नीचे तक आ गई है। तुम 2007 की विष कन्या हो, मॉडर्न विष कन्या। सब सितारों का खेल है, मंगल की कूटनीति है, सारसती का प्रभाव है। 7:30 बजे से तुम्हारी सारसती शुरू हो चुकी है। तुम्हारे हाथों में 5 हत्याएं लिखी हैं। 5 मर्डर? इससे पहले तुम कोई और मर्डर करो, हम तुम्हें पुलिस में दे देंगे। अब तुम जेल जाओगी। जेल? पुलिस? जेल? नहीं नहीं, मुझे जेल मत भेजो, नहीं मुझे जेल मत भेजो, नहीं मुझे जेल मत भेजो, मुझे जेल मत भेजो, मुझे पुलिस के पास मत भेजो, मुझे पुलिस। अरे ओ, करना क्या है, जो करना था उसी ने कर दिया। अब वो थोड़ी किसी को बोलेगी कि एलके की मृत्यु हो गई है। अरे आराम से संभाल, ठीक से पकड़ो, ठीक से होटल का ठीक फायर एग्जिट बहुत छूट मत छोड़ना, आराम से। मैं तो अभी कह रही हूं उनके 6 टुकड़े कर देते हैं। साइड से रिलैक्स, नीचे जाके सी दूंगी। अबे चैनल सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज पे चलते हैं, कोई भी न्यूज छोड़ नहीं सकते। अब क्या पता कोई मशहूर हस्ती मर जाए और यहीं आ जाए तो? अबे इडियट, कोई मशहूर हस्ती मरेगी ना, उसके फैमिली वाले उसे इस डाउन मार्केट शमशान में नहीं लेके आएंगे। इट्स नॉट इवन इलेक्ट्रिक गैस। वेंकी और अमित का बढ़िया है, मस्त होशियारा के इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में बीट पर बैठे हैं। सब टीवी स्टार फिल्म स्टार मर के वहीं जाते हैं। चल मैं सुसु करके आ रहा हूं, पानी कम पिया कर। प्रेस, अब इनके सामने लाश को जलाएं कैसे? अगर लाश को अपने घर के लॉन में जला दी तो? पागल हो गया क्या? पूरे 1,35,234 रुपए खर्च के नए घास लगाने में, घास को तबाह करना है क्या? गधा। एक मिनट, मैं पीछे से जाकर देखता हूँ कोई रास्ता है क्या। ए भाई, वहाँ क्या कर रहे हो? अब वो मैं सुसु करना है ना, वहाँ पेड़ के नीचे करोगे भूत चमड़ जाएगा, यहीं पे कर लो। अगर इसको जला देते तो बुड्ढे के जलने का लाइव टेलीकास्ट हो जाता। मतलब? हिंदी समझ में नहीं आती क्या? अरे शमशान में ओबी वैन खड़ी थी। हाँ, पर इसका करें क्या अब? अरे क्या करें मतलब, बुड्ढे की लाश को घर पे रखना पड़ेगा अब। अंजू, हाँ? लाइट चला। ए रामू, ये क्या बदतमीजी है? तुम लोग आ गए, बड़े सही वक्त पे आए हैं। ये लो, मुंह मीठा करो। ये मिठाई किस बात की? बाबा मर गए ना। बाबा मर गए? आपको नहीं पता, शाम से हर न्यूज चैनल पे दिखा रहे हैं कि साहब के करीबी दोस्त मर गए। अब विद्युत बाबा से करीबी था भी कौन लीजिए। विद्युत बाबा कैसे मर गए? विद्युत बाबा थे ना, इलेक्ट्रिक शॉक लगा होगा, बिजली का बिल बढ़ा, लेकिन आखिर छोटे बाबा मुझसे।
हरिओम। ये आवाज कहां से आई? कहां से बोल रहा है विद्युत? नेपथ्य से। तुम तो मर गए थे ना? शत्रुओं का विनाश करने के पश्चात ही इस देह का त्याग करूंगा। हरिओम। ये तो जिंदा है। ये तो अनर्थ हो गया भगवान। ये बाबा को उठा ले, उसके सर पे प्रभु की दास के साथ तुम्हारा ऐसा दुर्व्यवहार, नाश हो तुम्हारा निर्लज्ज नौकर। नौकर किसको बोलता है? तू क्या था मदारी, भूल गया? सड़कों पे डुकडुकी बजा के बंदर का खेल दिखाता था। एक दिन यहाँ इसको खेल दिखाने आया, बंदर भाग गए, तू रह गया। साहब जी ने बाबा बना दिया, इसे चढ़ा के रखा है। मदारी कहीं का जिह्वा को लगाम दो दुष्ट प्राणी। बहुत हो गया रामू। रामू काका तुम जाओ यहाँ से। मूर्ख नामकूल खोते दा पुत्र सूर्यर बच्चा हलकट एंड मोरओवर स्वाइन। अभी जाके साहब जी को बताता हूँ। साहब जी कहाँ है? रामू काका दादाजी होटल में रहेंगे। होटल में रहेंगे? हाँ, वो बहुत ही अपसेट है ना। अपसेट है? हाँ। रात भर आएंगे? नहीं नहीं नहीं, आ जाएंगे, कल आ जाएंगे सुबह। कल सुबह आएंगे? हाँ। तब तक के लंबे बाल वाला बंदर डुगडुगी बचाएगा क्या? हरिओम, इस विभत्स नौकर को सिंहासन पर बिठा कर रखा है, ये सब आप लोगों की भूल है। क्या करे, रामू ने बरसों से इस घर में काम किया है, उसने ही तो इन सबको पाल पोस कर बड़ा किया है। वैसे देखा जाए तो रामू काका ही मेरी सास है। अरे सास को छोड़ो, ससुर की सोचो, लाश को कहाँ रखना है? मेरे रूम में रख सकते हैं। ओ प्लीज बता देना सुबह तक तुमने लाश का पोस्टमार्टम कर दिया। डैडी ऊपर आइए, जस्टी वाज ऑन टीवी। श्री लक्ष्मीकांत कबाड़िया उर्फ एलके के करीबी दोस्त कृष्णकांत लबाड़िया उर्फ केएल का अंतिम संस्कार कल सुबह 12 बजे वही बड़ा शमशान घाट में होगा। फ्यूनरल के लिए लाश कहाँ से आएगी? देखो म्युनिसिपल हॉस्पिटल्स में गरीब लोग मरते रहते हैं, उन्हीं में से किसी से लाश खरीद लेंगे। हा? अरे गरीब तो पैसों के लिए अपनी माँ को भी बेच दे। अरे गरीबी क्यों, अगर आपको कोई 2 करोड़ रुपए देगा तो आप अपने बाप की लाश को बेच नहीं दोगे? पाजी मुझे को 1 करोड़ रुपया भी देना तो मैं अपने बाप को जीते जी बेच डालू। हेलो, लाश मिली? आपको क्या लगता है मैं लाश जेब में लेकर घूमता हूँ? मिल जाएगी तो फोन कर दूंगा। बास्टर्ड, फोन कट कर दिया। जब से मेरा लक्ष्मी ऑफ हो गया, इस फैमिली ने तो मेरी इज्जत ही करनी छोड़ दी। ये सब संकट के लक्षण है प्रेरणा, सब इसी प्रयास में हैं कि आईपीओ का पूरा पैसा उन्हें मिल जाए। इसके पहले कि वो कुछ करें, हमें कुछ करना चाहिए। लेकिन क्या करें बाबा, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। देखो तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना प्रिय। हाँ बेब्स, लेकिन इस समय बहुत टेंशन हो रही है, बहुत टेंशन हो रही है, बहुत टेंशन हो रही है। सुनो क्या है? वो क्या चाहिए? वो जो पूरा होता है ना, वो ऐसा चाहिए, वो मुझे ऐसा। जल्दी बोलो क्या चाहिए, बंदा सब सप्लाई करता है, खाना पीना वगैरह वगैरह। लाश? एक किडनी मिल सकती है? किडनी नहीं बाबा, पूरी लाश चाहिए। पूरी लाश चाहिए, चलो देखता हूँ, कुछ चक्कर चलाता हूँ। अरे हम इतनी बर्फ क्यों डाल रहे हैं, ताकि ये बुड्ढा सड़ ना जाए। टू लेट, सड़ूं तो ये बुड्ढा हमेशा से। अरे ये हॉस्पिटल है, रोज 2-3 लोगों की विकेट तो गिर ही जाती है ना। अब उसे देखो, उसका बाप बहुत सीरियस है, तुम्हारा गुड लक अच्छा रहेगा तो 2-3 घंटे में उसका विकेट उड़क जाएगा। अरे तुम लोग रोने का राशन अभी खत्म कर डालेंगे तो ऑफ होने के बाद में कौन रोने वाला है, चुप बैठो। कहाँ जा रहे हो? अपने कक्ष में। न जाओ सैया छुड़ा किशोर। चुप, कोई सुनकर अंदर आ गया तो? ये क्या आवाज थी? ये तो लगता है लक्ष्मी के कमरे से आवाज आई है। मैं देखती हूँ। मम्मा, बुड्ढा तो मर गया। Yes. अब मैं बहुत बड़ी आइटम गर्ल बनूंगी। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हें सिखाएगी। मैं भी बहुत बड़ी डांसर थी और बड़े बड़े राजा महाराजा। ए, हेलो हेलो, कहाँ गोइंग यू? मैं कहीं भी जाऊँ, तुमसे मतलब? तुम्हारा मतलब तो मैं अच्छी तरह समझती हूँ। मम्मा बुड्ढे के रूम में जा रही है। हाँ बेटी, रॉबिंग करने। शट अप साली बार डांसर, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं अपने भाई के कमरे में जाऊंगी। जो भी हो, तुम अकेले अंदर नहीं जा सकती। मैं जाऊंगी। नो, नेवर। मैं जाऊंगी,
रोक के देखा। ये तो हर मामले में छोड़ूंगी तुम्हें, कोई हाल नहीं। क्या कर रहे हो आप लोग? क्या समझती है तुम? प्लीज 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 दीदी मत लड़ो, प्लीज मत लड़ो। एक तरकीब है, हम लोग तीनों मिलकर अंदर जाते हैं, ठीक है? हाँ, हम तीनों नहीं, होल फैमिली गोइंग टू अंडर। होल फैमिली गोइंग टू अंडर, और वो तीनों मुर्दा ढूंढने गए वो? तो क्या हुआ, जब सब आ जाएंगे देन होल आर गोइंग टू अंडर। गुड मॉर्निंग लेडीज, गुड मॉर्निंग। हम क्यों, किसी और का इंतजार कर रहे थे? तुम ऊपर क्या कर रहे थे? अजीब सवाल पूछती है, सांप को केसर का दूध देने गया था ना, पिए बगैर तो बाथरूम नहीं जा सकते ना। तुम सांप जी को दूध देने गए थे? ये देखो बड़े मजे से पिया और अब तो बैठ चुके होंगे। ओके बाय बाय। एक मिनट रामू काका, ये अंगूठी तो बाबूजी की है ना? हाँ, तो हमने कब कहा कि उनकी नहीं है, उन्होंने ही मुझे दी है। बाबूजी ने आपको ये अंगूठी दी है? कहा कि रामू तुमने जिंदगी भर इस परिवार की सेवा की है और मेरे घर वाले तो तुम्हें कुछ देंगे नहीं, तो ये अंगूठी तुम रखो। चोर, तुमने ये चोरी की? ये मैंने चोरी नहीं की है। चोरी की है? चोरी नहीं की है। संजना, he is definitely dead. मैं जानती हूँ, पर ये रामू काका क्या कह रहे थे? मैंने चोरी नहीं की है। कुछ बोल रहे हो लक्ष्मी, तुम्हें ये अंगूठी नहीं दे सकता। ये मैंने नहीं चुराई है। चोर 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 चे 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 साली बार डांसर, औकात पे उतर गई। ये फोन किसे कर रहे हो? पुलिस को। ओह माय गॉड, तुम कॉलिंग कॉप्स? हाँ, पुलिस आएगी, साहब जी से सवाल पूछेगी, तब सच का पता चल जाए। दादाजी से? अंगूठी उनकी है ना? नो नेवर, तुम फोन नहीं कर सकते। मुझे छोड़ो, फोन नहीं कर सकते। जल्दी से श्रुति वायर काट दे। अबे इसका वायर नहीं होता, ये वायरलेस है जाहिल। रुक जाओ, अगर पुलिस आकर बाबूजी से पूछताछ करेगी तो उन्हें बहुत बड़ा सदमा पहुंचेगा कि हम सब मिलकर रामू काका पर शक कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। रामू काका जी, इन सब की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, आप प्लीज जाइए। ठीक है। रामू काका जी, आपको कुछ और चाहिए? मुझे सोचने का वक्त तो दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। ठीक। चोर कहीं का क्या हॉस्पिटल है, आदमी मर गया फिर भी पैसे मांग रहे ले। तुम्हारी बाप की लाश है ना? भेजेगा लाश को? क्या बोला? 10,000 रुपए दूंगा। क्या करेगा लाश का? तेरे को क्या लेना देना, बोला ना 10,000 दूंगा, बोल। साला तेरा क्या अमीर आदमी है तो पैसा देके कुछ भी खरीद सकता है क्या? हम साला गरीब लोग का इमोशन नहीं है क्या? सलग तेरा बाप मरेगा, मैं 10,000 रुपए देगा, भेजेगा लाश को? कैसा आदमी है, अपने बाप का लाश भेजने का बात करता है? कोई बेटा भेजेगा क्या अपने बाप का लाश 10,000 रुपए में? साला अभी 3,00,000 रुपया होता तो बात भी होता था ना। 3,00,000? अच्छा 2,00,000 डन। ए उतारे लाश को। नींद की वाट लगा दी, जब इनको टाइम है धंधा करने का। अरे पागल, काय को समझती नहीं, बहुत हाई फाई मैया थे वहाँ पर, कैसे कैसे कस्टमर आने वाले मालूम है, करोड़पति अरबपति। राष्ट्रपति भी आएगा? चल चल बैठ। एलके मरता था वो अलग बात थी, एलके के फ्रेंड को हम जानते भी नहीं है तो फ्यूनरल में जाने की क्या जरूरत है? अरे एलके वहाँ जरूर होगा, हमें वहाँ साथ देखेगा तो उसे ऐसा लगेगा कि हम उसके दुख के वक्त उसके साथ हैं। नहीं नहीं नहीं, बहुत बीमार है, वो नहीं आ सकते। कैसे नहीं आएंगे भाई? अगर उनकी तबीयत खराब है तो उन्हें गाड़ी में रहने दो। देखो रंजीत, इस IPO का इनिशियल रिस्पॉन्स ठीक नहीं है, एलके का इस फ्यूनरल में होना बहुत जरूरी है ताकि लोगों को तसल्ली हो जाए कि वो ठीक ठाक है। डैड को तैयार करके आपको एलके के करीबी दोस्त केएल की अंतिम यात्रा का लाइव टेलीकास्ट दिखा रहा है। असली घी पड़ा है, रात को पराठे खिलाओगी? ये अट्टहास किस लिए? राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। मिस्टर प्रेम चोपड़ा, आप केएल को कब से जानते हैं? जी मैं केएल को बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन चूंकि ये एलके साहब के बहुत करीबी दोस्त थे इसके फ्यूनरल में तो आना ही पड़ेगा। मैं केएल को तो जानता ही नहीं। एलके को जानते हैं तो उनके करीबी दोस्त थे तो समझ लीजिए केएल को भी जानते ही होंगे। केएल को छोड़िए, मैं तो एलके को भी नहीं जानता, मैं सिर्फ रंजीत कबाड़िया को जानता हूँ। समीर कबाड़िया एलके नहीं आए? डैड को बहुत गहरा सदमा लगा है, वो गाड़ी में। एलके, 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 एलके
भी जल्दी कर, इसमें घी का डब्बा डाल दे, पकड़। ये घी का डिब्बा कहाँ ले जा रही हो? चलाना ही तो है, घास ले से चला देना। मृत शरीर का अपमान होगा। ए वहाँ जान देना, ये गरीब लोग देसी घी का पराठा खाएगा, तेरे को दुआ देगा, तेरा उम्र लंबा आएगा। ए डालो रे, डालो रे, ए संभाल के डालो रे। छोटू भाई, एलके प्लीज प्लीज आप। एलके साहब मेरे सामने मौजूद है, मेरे लिए 50,000 की शेयर खरीद लेना। हेलो, यस यस। क्या हुआ, शेयर्स के सेल में तेजी है? ओह ग्रेट। क्या हुआ, इतनी देर से आ रही हो, कहाँ थी अभी तक? वैक्सिंग कर रही थी। अभी तक? हाँ। वो औरत देखो, बिल्कुल अपनी गंगूबाई जैसी लग रही है। अरे चुप रहो, वो तो लबाड़िया फैमिली की है। नहीं देखो ना ठीक से। अरे चुप रहो ना। हे माँ, वो देखो मेरी मेम साहब। चलो अफसोस कराते हैं। पहचानेगी तो नहीं? मुन्ना, वो देख मेरी मेम साहब आई ली है, मुझे पहचानेगी तो नहीं? आप क्या कर रहे हो? अरे नहीं पहचानेगी रे, एकदम पेडर रोड लग रही है, तू टेंशन मत ले। सॉरी 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 सॉरी। अरे ये कौन है? अरे ये क्या हो रहा है? क्या? अरे भाई साहब सब रखिए, हम तेज मत होइए। क्या हो रहा है? क्षमा कीजिए, ये सब प्राणी बहुत टेंशन में है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? जेल की चिता को आग लपेट रही है। आइए देखिए एलके ने उस पर क्या रिएक्शन है। एलके आप आपके कहने के मुताबिक मैंने एलके की वसीयत तैयार कर दी है। लीजिए, प्रेरणा जी के नाम 35%, रंजीत के नाम 20% और समीर के नाम 35% और 10% विद्युत ट्रस्ट को। एलके ये जानकर अत्यंत प्रसन्न होगा। बस अब एलके का अंगूठा लगने की देरी है। सलाम साहब। सलाम सलाम। थी कब आया तू? काफी टाइम हो। कहाँ था तू? बहुत बड़ी ट्रेजेडी, बहुत अच्छा। अगर तुम्हारे दादाजी को तुम्हारे वीडियो एल्बम में काम करने में कोई इतराज नहीं, then I'll be too happy to release the same. Thank you, uncle. अंकल नहीं, प्रेम, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। ओके अंकल। डैडी, मुझे कल की अपॉइंटमेंट चाहिए, यहाँ शमशान में धुएं से मेरे सारे बाल सत्यानाश हो गए। क्या साहब, क्या सही एक्टिंग कर रहे हैं आप लोग, कुछ बोनस दो ना। तुम निकलो यहाँ से, आउट। श्रुति, देखो मुझे चिता की आग ठंडी होने तक यहीं रुकना पड़ेगा, तुम डैड को लेकर घर जाओ। ओके सर, सो नाइस ऑफ यू टू कम सर। बहुत अफसोस हुआ, एलके नहीं दिखाई दे रहे। उनसे अपने दोस्त का हाल देखा नहीं क्या, इसलिए अभी भी घर चले गए। इट्स टू बैड। जी मैं उनसे मिलना चाहता था, खैर शाम को घर पे मिलने आ जाओ। आई डोंट थिंक सो कि वो आज उठ पाएंगे, उन्हें गहरा सदमा लगा है सर। जी डॉक्टर ने उन्हें नींद का इंजेक्शन दिया हुआ है। हाँ सर। मैं जो कुछ भी करता हूँ प्रेम से करता हूँ, किसी को ब्रेक भी देता हूँ तो प्रेम से देता हूँ, किसी की जिंदगी भी बनाता हूँ तो प्रेम से बनाता हूँ। जाहिर है प्रेम नाम है आपका, प्रेम चोपड़ा, आप जो कुछ भी करेंगे प्रेम से करेंगे। How intelligent you are. Thank you. आप देखो ना, इस वीडियो के बाद तुम इतनी बड़ी स्टार बन जाओगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? क्या चाहिए सर आपको? बस प्रेम से मुझे खुश कर दो। No problem. मैं तो बचपन से ही सबको खुश कर रही हूँ, मेरी मम्मी कहती थी कि मेरा नाम खुशी होना चाहिए था। अच्छा, तुम्हारी मम्मी भी बड़ी इंटेलिजेंट थी। ये क्या कर रहे हो? ये खुशी नहीं, कुछ मुझे हट जा। ये क्या कर रही हो? देखिए मैं आपको मारना नहीं चाहती। मारना तो पड़ेगा ही। एक मिनट, समझते क्यों नहीं?
मैं विश्वकन्या हूँ। अरे मैं तुम्हारे विश पीने के लिए तैयार हूँ। मैं गधे जो भी मेरे साथ स्ट्रगल करता है वो मर जाता है। मुझे बेवकूफ बना गई, मैं इसे कभी ब्रेक नहीं दूंगा। हेलो अशोक, अरे जल्दी से किसी दूसरी स्ट्रगल को भेजो वरना होटल के पैसे वेस्ट हो जाएंगे। हाँ जल्दी, मेरी स्ट्रगल की तो वाट लग गई, अब मैं स्टार कैसे बनूंगी? क्या होगा मेरी माँ के सपनों का? लगता है संन्यास लेना ही पड़ेगा। आज भोईवारा शमशान घाट में लक्ष्मीकांत कबाड़िया उर्फ एलके के करीबी दोस्त कृष्णकांत लबाड़िया उर्फ केएल का अंतिम संस्कार किया गया। एलके इस मौके पर खुद भी मौजूद थे, मगर वो अपने करीबी दोस्त की मृत्यु से इतने परेशान थे कि वो खुद भी अपनी गाड़ी से नहीं उतरे। हमारे संवाददाताओं ने उनसे बात करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन सिक्योरिटी ने हमें उनकी गाड़ी के पास नहीं जाने। प्रेम चोपड़ा, प्रेम, प्रेम। जब कंगाल हो जाओगी तो ये कला फिर काम आएगी। चुप कर चुतिए, चल बेटा। चुतिए? हे राम। अंजू, मालकिन के जो सारे जेवर जो तुम्हारे पास हैं, साहब जी ने कहा है कि निकाल के मुझे दे दो। कागे रामू, जब भी तेरी शादी होगी बहू को क्या जेवर देगा है? और मेरे नालायक बच्चे तो तुझे कुछ देंगे नहीं, मालकिन के सारे जेवर तू ले। पापा कैसे बोल सकते हैं यार? क्यों, पापा की बोलती बंद हो गई है? और चुप कर। समझ गया, समझ गया, तू हमारे घर में चोरी करना चाहता है ना, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। ओहो, तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं पुलिस को फोन लगा देता हूँ, इसलिए तो मैं फोन साथ में लेके घूम रहा हूँ। बुलाते हैं पुलिस को, साहब के सामने सारे सच उकलवाए। सारे सच? सारे सच। क्या कर रहे हैं आप? रामू काका इस घर के कितने पुराने नौकर हैं और आप इन पर शक कर रहे हैं? बहुत बुरी बात है। रामू काका जी, मैं जेवर लेकर आती हूँ। ठीक है, और कुछ चाहिए? हाँ, साहब जी ने कहा था कि रामू जब तू घोड़ी पे बैठेगा ना, तब समीर की गोल्ड चेन पहनना, बहुत अच्छी लगेगी तुझे। मेरी चेन? हाँ। नहीं दूंगा। नहीं दोगे? नहीं दूंगा। नहीं दोगे? दे दो, उतार के दे दो। रामू काका इज सच ए बास्टर्ड। अरे छोड़ना, लेकिन मेरी इतनी महंगी चेन, समीर एक चेन से क्या फर्क पड़ता है यार? मुझे बहुत टेंशन हो रही है, हम करोड़ों में खेलने वाले हैं। द आईपीओ हैज बीन अ सुपर सक्सेस एंड हैज बीन सब्सक्राइब्ड सेवरल टाइम्स ओवर। तब तो हमें डेट की मुझे छुपाने की जरूरत नहीं है ना? अरे बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट वो कल सुबह डैड के डेथ का अनाउंसमेंट कर देंगे और उसके बाद हम सब मालामाल। और रामू काका को लंगोटी पहनाकर पिछवाड़े लात मारकर घर से बाहर निकाल देंगे। तू क्यों खुश हो रहा है बे? रामू काका के साथ तुझे और तेरी माँ को भी इस घर से बाहर निकाल दूंगा। तब जाकर मैं अपनी जिंदगी चैन से विद्या के साथ गुजार पाऊंगा। विद्या ही मेरे जीने का सहारा है। मेरे सारे सपने अधूरे रह गए मेरी शादी की वजह से, अब विद्या के साथ ही पूरे होंगे। हरिओम। मैं ये क्या? तू फिक्र मत कर, ऊपर वाला है ना, तू खाना खा ले। मैं छत पे तो कोई नहीं है। तू खाना खा। एक बार इस वसीयत पर एलके का अंगूठा लग जाए तो उसका सबसे बड़ा शेयर तुम्हें मिलेगा। अपने शेयर में से अपने बेब्स को भी दक्षिणा दोगी ना? ऑफ कोर्स बेब्स, जो मेरा है सारा तुम्हारा। यू आर रॉकिंग बेबी। You haven't died laughing. क्या कहा? एलके बीमार है? उनके बेटे तो यही कह रहे हैं, पर मुझे तो मामला काफी सीरियस लगा। ठीक है, मैं थोड़ी देर में फोन करता हूँ। जा पहना दे वो जूते का हार और मुंह अच्छे से काला करना। भाव काम हो गया आपका। हाँ, एक मिनट करता हूँ बाद में। बोलिए पिन सर। रोहन, मुंबई से मालवंकर जी का फोन आया था, कह रहे थे एलके बीमार है। अच्छी खबर नहीं है सर ये। इलेक्शन सर पर हैं और पार्टी का सारा पैसा एलके के ऑफशोर अकाउंट में है। अगर एलके भी अपने दोस्त की तरह मर गया तो क्रियाकर्म हमारा होगा। रोहन अलेक्जेंडर के होते हुए ऐसा नहीं होगा सर।
मैं कल सुबह ही मुंबई जाता हूँ। पर आखिर वो बुआ ही क्यों? आज तक तो हर सवाल का जवाब वही देती आ रही है, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वही एड्रेस करेगी। पर समी तुम बीच में फोन जरूर कर देना। अरे वो तो मैं कर ही लूंगा, पर आई जस्ट होप सो कि बुआ का रोना थोड़ा कन्विंसिंग लगे, ताकि लोगों को पता लगे कि मैंने फोन करके उसे डेड मरने की खबर दी। समीर इतना तो वो चुड़ैल भी कर लेगी, डोंट वरी। प्रणाम बाबा, प्रणाम। बाबा आशीर्वाद दीजिए कि आज मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुल हो। निश्चिंत रहो वर्ष। बाबा आज मुझे बहुत टेंशन हो रही है। दुष्ट प्राणी, देवी मां मुझ पर दया करो, मैं भी इंसान हूं। अगर समीर और प्रेरणा को इसी तरह टेंशन होती रही तो मैं हाइपर टेंशन से मर जाऊंगा। मैं बहुत थक गया हूं मां, मेरी रक्षा करो। बाबा चलिए। रंजीत, मुहूर्त का समय निकलने से पहले हमें वहां पहुंचना चाहिए। जी जी। देखो संजय, बुड्ढे की मौत की खबर फैलती ना लोग अफसोस मनाने आएंगे, इसे तुम बुड्ढे को डेढ़ घंटे में गरम करके तैयार रखना। ओके या चलो चलो कम ऑन। संजना, बुड्ढे को तो जलाना ही है ना, तो उसे प्रीहीट करने की क्या जरूरत? शट अप स्टुपिड। नो बट या क्यों आयो? अपने बोलने को आए साहब की एक बॉडी रेडी है, एकदम ताजा एकदम फ्रेश। बोले तो अपने अंकल लुढ़क गए ना। हाँ तो? अरे तो बॉडी ले लो ना साहब, अंकल का सॉलिड बॉडी था साहब, फोटो वीडियो खींचने में एकदम मस्त लगेगा साहब, और एकदम यंग मरा तो बोले तो रोने में भी मजा आएगा साहब। तुम्हें क्या लगता है हमने कोई मुर्दा कर खोल के रखा है यहाँ पे? निकलो यहाँ से। आउट साहब, आउट। फोन बिजनेस का बात करता है साहब, आप तो बिजनेस समझता है साहब। क्या कैसा बिजनेस करता है, बुरा टाइम के लिए एक आधा लाश रखना मांगता है। एलके ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, समीर कबाड़िया से मेरी शादी करा दी और इस नरक में झोंक दिया। मैं आज तक चुप रही हूँ सिर्फ तेरी वजह से। मॉम आज दादाजी की डेथ अनाउंस होने वाली है और कल तक सारे पैसे लोगों में डिवाइड हो जाएंगे, एंड देन विल बी स्क्रूड मॉम, क्योंकि डैड हमें कुछ नहीं देंगे। मैंने तुझे कहा ना तू चिंता मत कर, जो तेरा हक है वो तेरा बाप तुझे जरूर देगा। प्रेरणा जी जाहिर है आप इस आईपीओ की सुपर सक्सेस, आप सब बहुत खुश होंगे। ऑफ कोर्स आज पूरा कबाड़िया परिवार जश्न मना रहा है। एलके की तबीयत कैसी है? प्लीज नो पर्सनल क्वेश्चंस। अच्छा होगा कि आज हम केवल आईपीओ के विषय पर ही चर्चा करें। हेलो, रोहन अलेक्जेंडर बोल रहा हूँ, एलके घर पर ही है ना? हाँ साहब जी घर पर ही है। कह देना मिलने आ रहा हूँ मैं उनसे, आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। ठीक है। ठीक है। अरे समीर, अब क्या चाहिए? तुमने मुझे जो सोने की चेन दी थी ना, वो भाई मुझे पसंद नहीं आई तो मैंने बेच दी। बेच दी? साहब भी नाराज हो गए। साहब ने कहा कि रामू तू धंधा कब सीखेगा, सिर्फ चेन बेचने से तेरा क्या होगा, चेन के साथ साथ तो समीर की सोने की घड़ी भी बेच दे, तब जाके बात बनेगी। और लुच्चे, अब मेरी घड़ी पे नजर है तेरी, तू अब कान के नीचे। एक पुलिस को फोन कर रहा है ना तू? समझदार हो गए। कुछ नहीं, वर्कआउट करा था। एलके कहाँ? मर गया। मर गया? मर गया, दो दिन पहले ही होटल में। लेकिन कैसे? उनकी उम्र में आप भी अगर बंदर की तरह गुलाटी मारोगे तो आप भी मर ही जाओगे। शाला, ये बात हमसे क्यों छुपाई? पैसों के लिए सांप की लाश पर बर्फ में रखी है। मतलब ये सब दो दिन से चल रहा है? तो हमारी घड़ी बंद है, सोने की घड़ी होती तो सही वक्त बता देते। सब कुछ हो गया और तुमने हमसे छुपा क्यों? रामू काका जी, अरे कुछ करो। ठीक है कर देता हूँ। रामू काका कुछ नहीं करेंगे, जो भी करना मैं करूंगा। तुम क्यों हंस रहे हो? कैसे बेवकूफ बनाया आपको? साहब ऊपर ही हैं, उन्होंने कहा था रोहन साहब जैसे आएंगे तुरंत ऊपर भेज दो। एलके। हाय रोहन अंकल। हाय रोहन अंकल। कैसे हो एलके? बुखार तो है, बुखार होते हुए शैम्पू करने की क्या जरूरत थी? ओह गॉड, ये बुड्ढा तो मर गया। अब एलके प्रेस से कब मिलेंगे? नो पर्सनल क्वेश्चंस प्लीज।
तुम टेंशन मत लो, नेटवर्क आ जाएगा। लगता है अब और कोई सवाल नहीं है, सो आई गेस ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें यही खत्म करनी चाहिए। इतनी जल्दी क्या है तराना, तुमने सिर्फ 3 सवाल किए, बीटीवी से गामरान तुमने सिर्फ 1, और बीएनबीसी से वैशाली तुमने कुछ पूछा ही नहीं है। आस्क आस्क। लेकिन किसी को और कोई सवाल नहीं पूछना है। अरे कैसे नहीं पूछना है, हमेशा तो सवाल पे सवाल पूछते हैं, आज क्यों नहीं पूछना है? बैठो, पूछो। पूछो कि इस आईपीओ के लॉन्च में कितने पैसे खर्च हुए हैं। तो आईपीओ के लॉन्च के लिए कितने पैसे खर्च हुए? सॉरी प्लीज नो पर्सनल क्वेश्चंस। रंजीत कबाड़िया जी आप ही बता दीजिए कि कौन से क्वेश्चन पर्सनल है और कौन से नहीं। कमाल है, अगर मैं ही सवाल बताऊंगा तो आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? समीर देखिए आप जर्नलिस्ट हैं। कोई बैंक का फोन है। कोई बात नहीं, तुम रोना शुरू कर दो। प्यार से बात कर रहा हूँ, अगर अपनी औकात पे आ गया ना तो जब हमें कुछ पता ही नहीं था कैसे बताए। 5 तक गिनता हूँ मैं, 1, 2, 3, 4, 5। तुम लोगों को कल तक का वक्त देता हूं मैं, कल फिर आऊंगा मैं, और याद रखना कल सिर्फ 3 तक गिनूंगा, उसके बाद 1-1 को गोली मार दूंगा। और हां, कल तक के बाद किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि एलके नहीं रहे। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं। हेलो, हाँ एक मिनट सुनो, तराना पूछ रही है कि लक्ष्मी के चचेरे भाई का फ्यूनरल कब है। चचेरे भाई का देखो मुन्ना मेरी बात सुनो, पिछली बार दिया उसका डबल देंगे, पर हमें एक बॉडी चाहिए चाहिए। अरे पन बॉडी आएगा किधर से, मार्केट में एक भी बॉडी नहीं है। अभी हम लोग तुम्हारे पास आया था थॉमस अंकल का बॉडी लेके, तभी तुम हम लोगों को गलती कर डाला। अभी थॉमस अंकल का मई इधर से चला गया था, तुम लोग बॉडी मांगते हैं। अरे मुन्ना भाई बोले तो थॉमस अंकल की बॉडी को कुछ हो नहीं सकता। का चचेरा भाई क्रिश्चियन कैसे? साला कन्वर्ट हो गया। अति उत्तम। अंकल आपका उम्र कितना है? 65। अंकल आपको कोई बीमारी है क्या? क्यों? अंकल अपन सोशल वर्कर है इसलिए पूछता है। अरे बेटा इस उम्र में तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अंकल आपका कार्ड बीड नंबर विंबर कुछ है क्या? आंटी आपका उम्र कितना है? 55। आपको कोई बीमारी है क्या आंटी? बुआ आपको टेंशन तो नहीं हो रही ना? टेंशन तो हो रही है। हरिओम। नमस्ते। भाभी नहीं आई? जी बीमार है। कोई बीमार नहीं है, बोर हो गई है। एलके के फैमिली में हर दूसरे दिन कोई ना कोई मर जाता है, अब कोई मर गया ना मैं नहीं आऊंगी। चुप रहो। हीरो चल रहा है क्या? आज 10 नहीं 5 दूंगा। क्यों? कल उसका दोस्त मरा था, आज उसका चचेरा भाई मरा है। कल एलके मरेगा, उसकी मैयत पे पैसे नहीं देगा क्या? तब की तब देख लेंगे। हेलो लक्ष्मी आ गया। ये मीडिया वाले भी कमाल है, किसी को अफसोस मनाने का मौका ही नहीं देते। ए, तुम किधर से लेके आ रही हो जबरी? कि मेरा लक्ष्मी कितना अपसेट है। व्हाट्स हैपनिंग?
एलके हैं? एलके अंदर है, वो अपने चचेरे भाई के साथ आखिरी बार कुछ समय गुजार रहे हैं। मैं यहाँ चर्च में छुपी हूँ और हम एलके की आखिरी मुलाकात अपने चचेरे भाई के साथ एक्सक्लूसिवली ऑन मीडिया प्लेस देखेंगे। जो इमोशनल बॉन्डिंग मैं यहाँ देख रही हूँ दो भाइयों के बीच, ऐसा प्यार मैंने कभी नहीं देखा था। एलके के गले में गलती से जो फूलों का रीत गिर गया था उसे एलके ने अभी तक नहीं उतारा है, क्योंकि उनके मरे हुए भाई के शव पर फूलों के रीत चढ़ाए गए थे। आप देख सकते हैं कि एलके एक टक अपने भाई को देख रहे हैं। इस सदमे की वजह से एलके खुद एक जिंदा लाश बन चुके हैं। जूंगर जूम, साफ जाहिर है कि एलके गम में डूबे हुए हैं। लगता है किसी भी वक्त उनकी आंखों से आंसू का सैलाब निकल पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से वो अपने जज्बातों को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं। I've never imagined this kind of love between two brothers. इस सीन को देखकर मैं भी अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। This is Tarana Singh returning to the studio. Sorry. मेरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से एलके के साथ आज पूरा देश रो पड़ा। हमारे TRPs तो आसमान छू गए और इसका इफेक्ट आपके शेयर वैल्यू पर भी पड़ेगा। फायदा तो आपके चैनल को भी हुआ है। Nothing in comparison to your advantage. You see, आप अमीर लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है। आप चाहते हैं कि आप ही के घर में दिवाली हो, आप ही के घर में पटाखे चलें और आप ही घर में मिठाई बांटें। तो तुम चाहती हो एलके ग्रुप में थोड़े से शेयर्स, बस। थोड़े से तुम्हारा मतलब? A few thousand shares, हाँ? नींबू पानी? Can I please have some ice? बर्फ का आजकल प्रॉब्लम नहीं, क्या है ना कि लक्ष्मी आजकल ज्यादा बर्फ यूटिलाइज करते हैं। बीमार है, बर्फ है ना। टीवी की इतनी मशहूर हस्ती हमारे घर में हो और बर्फ तक ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? बर्फ के साथ नींबू पानी कितना डिफरेंट टेस्ट करता है, इट्स रियली रिफ्रेशिंग। रामू, पहली बार तुमने समझदारी का कार्य किया है। हरिओम। इस स्कॉच का फ्लेवर भी कुछ अलग ही है। लगता है बाबू भाई ने इस बार असली माल भेजा है। रामू काका, ये आइस इतनी अचानक आई कहाँ से? साहब जी से ना, थोड़ा अटक। क्या हुआ? सॉरी, कुछ नहीं, गले में कुछ अटक गया था। क्या हुआ? कौन हो? मुन्ना, मुन्ना बॉडी सप्लायर। बॉडीज? हाँ, लाश रहता ना, लाश। लाश? रंजीत, रंजीत, ये कुछ बेचने आया है। क्या बेचने आया भाई? ओ, लाश, लाश, लाश। बस हम भी इसी तरह झटका खा गए। मुन्ना भाई, हम क्यों लाश खरीदे? घर में ऑलरेडी एक लाश पड़ी है। क्या बकवास कर रहा है? इस घर में लाश नहीं, कोई मामूली लाश नहीं है ना, ना। ये लाश तो कभी चलती है, कभी फिरती है, कभी यहाँ दिखती है, कभी वहां दिखती है, और ये तो ऐसी लाश है कभी कभी औरों की मैयत पे भी जाती है। अरे रामू, बाबा ये मुझे मारता है। ये देखो, ये है हमारे घर की जिंदा लाश। ऊपर से एकदम ठीक ठाक दिखता है, लेकिन अंदर से खोखला हो गया। ये गणपत, मैं मुन्ना बोल रहा हूँ, ये जरा मालूम करना, मार्केट में किसी को स्वामी का लाश मांगता है क्या? प्रेरणा, तुम बताओ कितना खोखला आदमी है। रामू काका चुप रहो, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। हरिओम। समीर, तुम बताओ कितना खोखला है ये। कोई मुझसे बात मत करो, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, टेंशन हो रही है, टेंशन हो रही है। हरिओम, हरिओम, हरिओम। ए बुड्ढे, तू सबको टेंशन देता है, अब जाके दोनों का टेंशन दूर करो। दुष्ट, तुम्हारा इतना साहस। मुझे मारा? मुझे मारा? मुझे तो मैं ठीक करूंगा, देख। मैडम, अब साहब जी को बताइए कि ये बाबा ने मुझ पे हाथ उठाया। चलिए साहब जी के पास। मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई। ऐसे माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। मेरे पैर पकड़िए और माफी मांगिए। क्षमा। ब्रेकिंग न्यूज मैडम, स्वामी टच्चित सर्वन स्त्री। पर रामू काका, वो आदमी तो लाश बेचने आया था ना? लाश नहीं, छाछ। छाछ बेचने आया। छाछ? सांप को दूध की बीमारी है, छाछ से ही दूर हो सकती है। अपन खाली देर को बोलने के आए लाए कि अपने पास एक ताजा बॉडी पड़े लेके एकदम टिप टॉप कंडीशन में, समझा क्या? अच्छा, सुन मेरा बात सुनना, तू अच्छा आदमी है क्या? तू अपना पहला कस्टमर है, तेरे साथ अपना धंधे का बोझ नहीं होना है क्या? इसलिए अपन तेरे को बोलता है कि कल तक अपन मैयत होल्ड करेगा क्या, लेकिन उसका होल्डिंग चार्ज लेगा 50,000 रुपया प्लस सर्विस टैक्स, समझा क्या? TDS काट के नहीं लेगा। गए क्या?
देखो रंजीत, एक सीरियस प्रॉब्लम है। केमन आइलैंड्स के बैंक के साथ मेरी बात हो चुकी है। कोड के बिना पैसा निकालने का बस एक ही रास्ता है, कम बैन आई स्कैन। कहीं तुम डैड की लाश को अपने साथ ले जाने की तो नहीं सोच रहे? एलके की लाश के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं, मुझे तो बस उसका लेफ्ट अंगूठा और राइट आंख चाहिए। इम्पॉसिबल, मैं डैड के बॉडी के टुकड़े टुकड़े नहीं होने दूंगा। बट आई वांट इट। मिस्टर रोहन अलेक्जेंडर, तुम पॉलिटिशियन लोग अपने आप को समझते क्या हो कि पैसों से कुछ भी खरीद लोगे? हम अमीर आदमियों के कोई इमोशंस नहीं होते। अपने बाप दादा की लाश के टुकड़े टुकड़े कर देंगे और वो भी फ्री में। हाँ, अगर 10 करोड़ रुपए दोगे तो टुकड़े कर भी देंगे। वाह शाबाश बेटा, बिल्कुल अपने बाप पर गया। सो इट्स अ डील रंजीत। ग्रेट। एलके की आंख और अंगूठे के बदले 10 करोड़। चीयर्स। पर रोहन कुछ एडवांस हो जाता तो? यू नो हाउ इट इज। आई नो हाउ इट इज। 1 लाख, 2 लाख एडवांस। ये वाली जेब। बहुत ही लुच्चे आदमी हो यार। 160, 2 लाख 160 हुए, बाकी कल। रंजीत आ गया यमदूत। रंजीत साहब ने अभी अभी 2 लाख 160 रुपए मंगाए। रामू कागा, अब क्या हो गया? साहब जी का दाएं हाथ का अंगूठा कट गया। अंगूठा कट गया? कैसे कटा? डॉक्टर साहब ने काटा। सॉरी डैड। व्हाट डू यू मीन सॉरी? इडियट। साहब जी ने मुझे कहा कि रामू मेरे डॉक्टर से बात हो गई है, उनको अभी के अभी जाके 2 लाख 160 रुपए दे दो। और तो... अगर पैसे नहीं मिले तो लक्ष्मी ने कहा है कि पुलिस को बुला लो। बड़े अंतर्यामी हैं बाबा। रंजीत एलके ने सही सब कहा। पॉलिटिशियंस के अलावा और लोग भी मुर्दों से बात करते हैं। ये लो 2 लाख 160 पूरे। इट्स रियल टॉक आई टेल यू। अंगूठा तो मिल गया। अब हे गाइस, वो तो मुझ पे छोड़ दो। Here's your money. पूरे हैं? जी। तुम गाड़ी में इंतजार करो, मैं आता हूँ। रंजीत ये रहे तुम्हारे पैसे। It was a pleasure doing business with you. Same here, Rohan. तुम लोग एलके की डेथ का अनाउंसमेंट कर सकते हो। अंगूठा। ओ। अरे इस खुशी के मौके पे क्यों रो रही हो बुआ? वो मेरे लक्ष्मी का अंगूठा ले गया है, वो वापस करवा दो। क्या करेगी तू उस अंगूठे का? अरे चुप कर, तुम्हें क्या मालूम मेरी कितनी यादें जुड़ी है वो अंगूठे से। जब मैं छोटी थी और मेरी मम्मी डार्लिंग जल बसी ना, तो मैं बहुत रोती थी क्योंकि कोई मुझे भीख नहीं देता था, तो लक्ष्मी यही अंगूठा मेरे मुंह में रख के मुझे सहलाता था। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे वो अंगूठा चूस-चूस का बड़ी हुई हो बुआ। हां हुई हूं, एनी प्रॉब्लम। बुआ 10 करोड़ आ गए ना, जितने अंगूठे चाहिए उतने खरीद लेना तुम। नहीं नहीं नहीं, मुझे यही अंगूठा चाहिए। चुप कर भिखारी। अरे अंग्रेजी बात। एक बुआ छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। बुआ शट अप। रंजना जाके लाश को तैयार करो, जाओ। कम ऑन लेट्स प्री हीट द बॉडी अगेन। हां जाओ, मेरे लक्ष्मी को अच्छी तरह से गर्म करना प्लीज। ओए चुप कर, सबसे पहले हम वो पैसा तिजोरी में रख देते हैं, नहीं तो वो रामू का काके फेल ले जाएगा। चलो चलो चलो, अरे जल्दी कर। पैसे सेफ में रख दिए। अब तुम तराना को प्लीज जल्दी से फोन करके बता दो कि बुड्ढा मर गया है। ओके चलो कम ऑन जल्दी करो। एक मिनट, एक्टिंग भी तो करनी है कि नहीं? अरे ओवर एक्टिंग मत कर रो। हेलो हेलो तराना। प्रेरणा मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी। अरे बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है तराना। आई नो, मुझे अभी अभी खबर मिली। आई एम रियली सॉरी। और मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितना दुख हुआ सुनकर। 3 दिनों में तीसरी मौत और इस बार घर में। मैं तुम्हारे घर के बाहर ही हूँ इस ट्रेजेडी के बारे में ब्रेकिंग न्यूज देने के लिए। हुआ क्या? उसको मौत के बारे में पहले से ही पता था, वो अपने घर के बाहर है। बुड्ढे की मौत की खबर तराना को कैसे पता चली? लाश गायब है, तराना को मौत की खबर पहले से है। फैमिली पे जैसे दुखों का पहाड़ टूट गया है। 3 दिनों में हुई ये तीसरी मौत के बारे में जानने के लिए बात करते हैं कबाड़िया फैमिली के खानदानी नौकर रामू काका से।
रामू काका, इस बार किसकी मौत हुई है? क्या बताएं? भगवान ने हमारे प्रिय विद्युत बाबा को उठा लिया। बाबा को उठा लिया? बाबा को उठा लिया? बाबा को उठा लिया? अरे बाबा तो यहाँ है। बाबा को किसने उठा लिया? हैरान परेशान है, बाबा की मौत कैसे हुई? इलेक्ट्रिक का शॉक लगा और चल बसे। और इस खबर के बाद एलके कैसे? साहब की हालत बहुत बुरी है, उस दुख को सह नहीं पा रहे। उन्होंने कहा है कि 2 घंटे के अंदर अंदर विद्युत बाबा के क्रियाकर्म हो जाने चाहिए और उनकी कोई भी निशानी बचने नहीं चाहिए। तो क्या विद्युत बाबा का क्रियाकर्म भी चंदनवाड़ी में होगा? विद्युत बाबा साला विदूषक, प्रभु के भक्त की खिल्ली उड़ा रहा है। विद्युत बाबा जैसे सिद्धि प्रताप महापुरुष हमारे बीच नहीं रहे, उनकी मौत की वजह से सारे देश में दुख की लहर फैल गई है। कुछ लोग तो काफी खुश भी हुए होंगे। इस बार इस निर्लज्ज नौकर ने सारी सीमाओं का उल्लंघन कर दिया। मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैं अभी उसे हमारे क्रोध को अग्नि मत दो। क्रोध और भय त्याग दीजिए, अब तो आप मोक्ष प्राप्ति के अत्यंत निकट है महाराज। कट द क्रैप। हे राम। प्रेरणा ये सब मुझे मृत्यु दंड देना चाहते हैं। बाबा, आप ये तो नहीं चाहोगे ना कि मैं फिर से दादर स्टेशन के बाहर भीख मांगू? लेकिन भिखारी भी तो मनुष्य होते हैं। चक्कर मदारी, आ गया ना अपनी औकात पे। विद्या, 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 कौन विद्या? मेरे साथ धोखा किया। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। पापा विद्या है। अरे 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 नहीं 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 विद्या, तुम तो हर जाए निकले। लेकिन सैम, मेरी बात समझने की चेष्टा करो। मुझे तो खतिया अपने विद्या को क्षमा नहीं कर सकते सैम। अच्छा समीर, सैम तुमने मेरे साथ चीटिंग की? नो बेब। अच्छा तो ये बुढ़िया बेब, धोखेबाज, चीटर, बेवफा, निम्फोमेनियक, बहुपुरुष कामनी, तुम्हें तो मरना ही चाहिए। कुत्ते की मौत। तुम लोग मुझे मार नहीं सकते। अरे मर तो तू ऑलरेडी गया है, टीवी पर न्यूज चैनल ही देखता क्या? मर गया। अरे एलके के घर में रोज कोई मरता रहेगा तो क्या रोज मैं आऊंगा? आई एम सॉरी। क्या हुआ? वो ढोंगी विद्युत बाबा था ना? हाँ, वो मर गया है। कहते उसके क्रियाक्रम में चलो। हम नहीं जा रहे, आज हमें बर्मास के यहाँ मेहंदी में जाना है। हाँ हाँ, हम लोग वहीं जाएंगे। हाँ। अरे हमें एलके से क्या लेना देना? हाँ। उसका आईपीओ तो हो गया ना? हाँ। That's it. लग गया रे। टाइम देख, टाइम कितना हो गया? 11 बज गए ना भाई, अब कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। अरे मरने वाला मर गया ना, तू क्यों रोता है? अरे ये साला तो मर गया, लेकिन मरते मरते मेरा नुकसान करके गया ना साला। 8 घंटे पहले नहीं मर सकता था क्या? जला जला जला, कुछ नहीं होता, तू जला 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 ना। मेरा नुकसान हो गया, तुम लोग क्या कर रहे हैं यार? ए ए बुझा इसको, ए इसको बुझा। एसिड, एसिड, बहुत अच्छा टाइम पे एसिड। सिट, अभी लाश को आ गया। अभी आपको देख के अभी पारे भी बुझाया। तब मैं तो बोला था आपका भाई को गल काहे के लिए झंझट गया। अभी साला साहब आपको बुझाने का चार्ज देना पड़ेगा, जलाने का चार्ज देना पड़ेगा। सब पे सर्विस टैक्स लगेगा। फुट यहां से, नहीं तो तेरा भी क्रियाकर्म कर दूंगा। चल फुट। एक ही हफ्ते में तीसरी बार हम कबाड़िया फैमिली के दुख में शरीक हो रहे हैं, और जैसे कि आप जानते हैं कि इस बार मौत सत्य है। हरि का नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। हरि का नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। हरि का नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। हरि का नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। श्रुति जी, आज बाबा का फ्यूनरल है, काफी कम लोग नहीं आए? देखो जी, पब्लिक हर दूसरे दिन एक ही फंक्शन में जा जाके तंग आ जाती है। मुझे भी जबरदस्ती आना पड़ा, वरना मैं भी आज पेज 3 क्राउड के साथ वर्मास की मेहंदी की पार्टी में होती। हे वो ना, यही वो स्वामी है? अरे हाँ रे, ये लास्ट तो एकदम खोखली है रे। मतलब एकदम फिनस। और क्या, अपना लास्ट तो एकदम सॉलिड था, ये क्या है? रंजीत कबाड़िया, एलके क्यों नहीं आए? आखिर उनके गुरु विद्युत बाबा का अंतिम संस्कार हो रहा है। इसका मतलब एलके फ्यूनरल पे नहीं आएंगे? अरे कैसे नहीं आएंगे,
कितने? 9,97,08,840 रुपए। करेक्ट। किम? यस डार्लिंग। किम? यस किम। मेरी नई पिक्चर की हीरोइन विदाउट स्ट्रगल। बुड्ढा कहाँ है? साहब जी डाइनिंग टेबल पर बैठ के आपका इंतजार कर रहे हैं। He is waiting for his last supper. बुड्ढे को कल सुबह जला देंगे और फिर 5,000 करोड़ हमारे। तुम लोग पैसे की बिल्कुल फिकर मत करना, मैं सबका अलाउंस बढ़ा दूंगी। अलाउंस गया गड्ढे में, पूरे एलके ग्रुप का बंटवारा होगा और सबको एक एक हिस्सा मिलेगा। ओके एक मिनट, सबसे तुम्हारा मतलब? सब मतलब सब, मैं, बुआ, तुम, अंजू, श्रुति, संजना, नम्रता और ये। वेरी स्मार्ट, मतलब तुम्हारे 4 शेयर, समीर के 3 और मेरा सिर्फ 1। तुमने अगर शादी नहीं की और बच्चे पैदा नहीं किए तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? टफ लक निम्फो। चिपकली। रिलैक्स रिलैक्स, हिस्से सिर्फ 3 होंगे, एक रंजीत का, एक मेरा और एक स्मोटी का। नालायक। रंजीत, अगर तुम अपना हिस्सा अपनी फैमिली में बांटना चाहते हो तो बांट सकते हो, लेकिन मैं अंजू और पवन को एक फूटी खोड़ी भी नहीं दूंगा। अरे दैट्स नॉट फेयर, इस प्रॉपर्टी में मेरा बराबर का क्या? काहे का हक बे? अरे मैं एलके का पोता हूँ। अरे कहाँ का पोता और कहाँ का बेटा? अरे तू तो इस फैमिली का मेंबर नहीं है, अरे तेरे को अडॉप्ट किया था, गोद लिया था गोद। तो क्या हुआ? यू डोंट वरी बेटा, समीर तेरा बाप नहीं है पर मैं तो तेरी माँ हूँ। एंड मिस्टर गे बॉय, तुमसे कोई बच्चा पैदा हो सकता है क्या? अरे तू तो चुप कर साली। अरे डैड तेरे को सड़क से उठा कर लाए थे, मेरे गले बांध रहे। और कौन करता तुमसे शादी? एक गरीब घर की लड़की एक गांडू से शादी? साले हराम के जने, तू जानता है तेरा बाप कौन है? तेरी माँ जानती है। मैं जानती हूँ इसका बाप कौन है। तुम इसके बाप नहीं हो, ये बुड्ढा इसका बाप है। ये बुड्ढा मेरा दादा नहीं, मेरा बाप है। और मेरा बाप नहीं, मेरा भाई है। इसका मतलब तुम हमारे भाई नहीं हो, हमारे चाचा हो। That's right. एक सेकंड। ये बुड्ढा मेरा बाप है, ये मेरी माँ है और ये मेरा भाई। मेरी माँ की शादी हुई मेरे भाई से, तो ये मेरी भाभी हुई। मैं अपनी माँ का बेटा हूँ और अपनी भाभी का भी बेटा हूँ, और भाभी का बेटा तो भतीजा होता है। अरे मैं तो अपना ही भतीजा हूँ। वाह। कौन है तू? डाइनिंग हॉल किधर है? कौन है तू? मैं सीपीआर अश्विनी खांडेकर, समझ गया? मेरे को रोकता है जब मैडम, मैं तेरे को और तेरे आपके खानदान को नहीं छोड़ता। डाइनिंग हॉल किधर है बता बता। लोगों ने मेरे को बर्बाद कर दिया। अरे मैंने मेरी पूरी रिश्वत कमाई तुम लोगों के शेर में डाली और ये लेके मर गया। हल्के मर गया? हमको पता है तुम लोगों का नौकर है ना रामू, उसने पुलिस को सब कुछ बताया। उसकी लाश को तुम लोगों ने डाइनिंग हॉल में छुपा के रखा है, ये लिखे की लाश को। ये लिखे जिंदा है। नमस्कार ये लिखे साहब, नमस्कार। नहीं मैं प्योर वेजिटेरियन नहीं। आपको जिंदा देख के मेरे मन को कितनी शांति हो गई पता है आपको? आपको हराम खोर नौकर है ना रामू, वो क्या बोला मालूम? आप मर गए घर के। उसको निकाल दिया। नहीं, ये तो एकदम मूड में। नहीं मैं प्योर वेजिटेरियन बोला ना। ये मर गए घर के, आप मुड़ देखा डेकोरेशन आई से तड़ी होता है। मुड़ता बोले तो मुंह में तुलसी पत्र गंगा जल रहते क्या बाप तड़ी होता है। नाक में रुई, कान में रुई, मुंह में रुई, शरीर पे आबिर गोला है लाई सब आते। अरे बोल लो बीच तेरी रे। आपको जिंदा देख के आए ना, मैं एकदम शांत हो गया, दिल सच बोलता हूँ मैं बच गया। सुबह से की इडली में आई गई। ये क्या आंखों पे पर्दा क्यों डाला हुआ है? क्या हुआ? कंजंक्टिवाइटिस, आंख आ गई। आंख आई है? अरे संभालो बाबा बुड्ढा। अरे कैसे बच्चे लोग आप लोग, कोई इतना पिला दे क्या बाप को? अरे आप लोगों को 5,000 करोड़ रुपए मिल गया, आप लोगों को क्या है? इनको कुछ हो गया तो हम जैसे गरीब लोग तो लग जाएंगे ना। सर आज के बाद इनको बिल्कुल नहीं पीने देंगे, बस बिल्कुल नहीं देना। ओके ना? हाँ ओके ओके सर, आप चलिए ना। पहली बार ऐसा इंसान देखा जो खुले आके रख के बीच शुद्ध हुए। अच्छा देखो मेरी बात सुनो,
ये सिक्योरिटी एलके के लिए एकदम टाइट चाहिए, मैं पहले बोल के रखता हूँ। नहीं नहीं नहीं, उन्हें सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत क्यों नहीं है? जरूरत है, एलके अभी हाई प्रोफाइल इंसान है, जरूरत है। और मैं जब तक वो शेर नहीं बेचता तब तक सिक्योरिटी की जरूरत है, समझे? ये पुलिस सिक्योरिटी के लिए रहेगी, एलके जहाँ जाएंगे आएंगे, वहाँ ये लोग भी जाएंगे आएंगे। बाहर चलो, आप लोगों की पोजीशन दिखा देता हूँ। अगर हम इसके एकदम बात डेड की मौत अनाउंस करेंगे तो क्या उस खांडेकर को शक नहीं होगा? क्या वो पोस्टमार्टम नहीं करवाएगा? प्लीज अब ये मत कहना कि कुछ और दिन हमें लक्ष्मी की मौत छुपानी पड़ेगी। अब मेरे बेटे की बाप की मौत मुंबई में तो हो ही नहीं सकती। What mean you? Oh, what मत करो। अब इनकी मौत मुंबई से बाहर होगी किसी एक्सीडेंट में, और उस एक्सीडेंट में लाश जलकर राख हो जाएगी। नहीं अंजू, ठीक कह रही है। See? Yes. एक्सीडेंट में जली हुई लाश के बारे में कोई सवाल नहीं उठेंगे। पर इन कॉप्स के सामने हम लाश को आउट कैसे गोइंग? अरे यार, यू नॉट वरिंग। संजना बेटा, कम या कम, अब ये काम तुझे करना पड़ेगा। Yes. जीती रहे पुत्र। मौत के बाद मेरे घर वालों ने मेरी क्या हालत की ये तो आपने देख लिया, लेकिन उनके साथ जो हुआ। ये आप लोग कहाँ जा रहे हैं? पिकनिक पर। और इतनी सारी बैग? अरे सब लोग अलग अलग जगह जा रहे हैं। सुनो, सी यू एट टाइगर हिल्स। देखो बाग मेरे। हाँ। ओके ओके सर जी। लक्ष्मी के पिल्लों, पुलिस को तो सिर्फ डर मिला है, उन्हें कैसे पता चलेगा कि वो लाश लक्ष्मी की है? कमिश्नर साहब, बॉडी के ना सिर है ना पैर है। तो फिर पता कैसे चला कि मेल है? 100% मेल है। तू अभी तो कह रहा था कि ना सर है ना पैर है। फिर सर है ना पैर है, लेकिन वो है। अच्छा चलो देखते हैं। चलो कितनी बेदर्दी से बेचारे का सर हाथ पैर। ये तो एलके है। एलके मर गया? रामू ने किम के लिए फिल्म शुरू की, फिल्म का मुहूर्त हुआ, और फिर मुहूर्त की रात किम ने कहा, ओ रामू, रामू काका, आ रामू, ओ माय गॉड, ओ रामू, फास्ट काका काका काका। अरे भाई कहां जा रहे हो? पावर कट यहां भी होते हैं। कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। रामू की मौत के बाद किम ने अपना स्ट्रगल हमेशा के लिए छोड़ दिया और संन्यास ले लिया। थोड़ा आराम कर लूं, थक गया। अगले शो में इस बुड्ढे को फिर मरना है। लगाओ लौट के न आए इतनी दूर छोड़ आओ। रोए गाए किस
बाजारों में ये झूम के उठे। रोज रोज पकते पकते ये कमीना सड़ गया, सड़ते सड़ते एक दिन डाल से लुढ़क गया। चल पड़ी नरक के लिए ये सवारी है, आसमान उखाना बुढ़ा कितना भारी है। Ha ha ha!